हेलो एवरीवन, वेलकम टू DRX अभिलाषा आई एम SBHU चैनल। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे एक्सपायरी डेट के बारे में। जब भी हम कोई दवा या फूड पैक खरीदते हैं तो उस पर एक एक्सपायरी डेट ज़रूर से चेक करते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि एक्सपायर हुए चीज़ को नहीं खानी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि यदि हम एक्सपायरी डेट वाली दवा या फूड को खा लें तो हमारी बॉडी में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें जानना होगा कि एक्सपायरी डेट का क्या मतलब होता है। जब भी हम कोई दवा या कोई फूड पैक खरीदते हैं तो उस पर दो डेट लिखी होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट और दूसरी होती है एक्सपायरी डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट का मतलब होता है कि वो दवा या वो फूड प्रोडक्ट कब बना है, ठीक है, और दूसरा लिखा होता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का मतलब होता है कि उस फूड को या फिर उस दवा को अब उस डेट के बाद नहीं लेना चाहिए। एक्सपायरी डेट का मतलब होता है किसी भी दवा या किसी भी फूड का एक सेल्फ लाइफ होता है। जब कोई चीज़ फ्रेश होती है तो वो हमारे शरीर में ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके इफ़ेक्ट या कह सकते हैं उसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और यही कारण है कि एक समय के बाद उसका हमारे बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम दवाइयाँ किस लिए खाते हैं, क्या ताकि हमारे शरीर में जो समस्या है या जो प्रॉब्लम है वो उससे ठीक कर सके। बट जब वो उसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे तो वो हमारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं डालेगी, तो उसको खाने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरा जो कारण है कि एक्सपायरी डेट वाली दवा को नहीं खाना चाहिए, वो ये कारण है कि धीरे धीरे उन दवा या उन फूड प्रोडक्ट में बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है। जैसे कि फ्रेंड्स आप ऐसे समझिए कि घर में हम कुछ भी बनाते हैं, चाहे खाने की चीज़ों कुछ भी बनाते हैं, तो जब वो ताज़ा होता है तो उसको खाने में स्वाद अलग होता है, उसको जो उसका हेल्थ बेनिफिट होता है वो अच्छा होता है। जैसे जैसे वो खाना बासी होने लगता है वो हम नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते, क्योंकि उसके अंदर फंगल ग्रोथ होने लगता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगता है, साथ ही साथ उसके स्वाद में भी चेंजेस होने लगते हैं, जिसके कारण वो फंगल और वो बैक्टीरियल ग्रोथ हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमें कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम को कर देते हैं। तो इसीलिए एक्सपायरी डेट हुए दवा को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, और दूसरा उसके अंदर बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ होने लगता है, जो कि हमारी बॉडी में अगर चले जाएं तो उससे हमें कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसके साथ ही एक्सपायरी डेट दवा का नहीं खाने का मतलब एक और भी होता है कि अगर कोई कंपनी ने कोई एक एक्सपायरी डेट निर्धारित किया हुआ है, जैसे कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कि एक्सपायरी डेट है 30 जून 2024 है, तो इसका मतलब कि आप वो प्रोडक्ट को 30 जून 2024 तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने उसको 1 जुलाई इस्तेमाल किया और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि उस दवा या उस फूड प्रोडक्ट से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है, तो आप किसी भी तरीके का क्लेम नहीं कर सकते उस फूड प्रोडक्ट की कंपनी पे या उस मेडिसिन के कंपनी पे, क्योंकि अब कंपनी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती है अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है। बट अगर आपने कोई दवा या कोई फूड प्रोडक्ट को खाया जिसकी एक्सपायरी डेट अभी बहुत दूर है, बट आपको उसने साइड इफ़ेक्ट किया, तो आप चाहो तो बाद में उस कंपनी पे क्लेम भी कर सकते हैं, जिससे कि वो कंपनी बंद भी हो सकती है या वो चाहे तो अपने दवा या अपने फूड प्रोडक्ट में कोई सुधार भी कर सकती है। तो इसलिए एक्सपायरी डेट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। हम सभी को जानना चाहिए कि एक्सपायरी डेट क्या होता है और क्यों होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक्सपायर हुए चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा लेकिन उसको उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिला होगा। ये हो सकता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सारी एक्सपायरी डेट वाली दवा जो है उसके बाद अगर हमने कुछ खाया या पिया या उसको यूज़ किया तो वो हमारे लिए नुकसानकारक ही होगा। एक्चुअली में एक्सपायरी डेट जो है वो कोई भी कंपनी एक सेफ डेट निर्धारित करती है जिसके यूज़ करने पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपायरी डेट फूड प्रोडक्ट वाले जल्दी निर्धारित कर देते हैं और हमारा जो फूड है वो एक्सपायरी के बाद भी चल जाता है। ये सारी चीज़ें फुल्ली इस बात पर डिपेंड करती है कि वो फूड प्रोडक्ट कौन सा है, मतलब वो फूड में ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड का इस्तेमाल हो, जैसे कि अगर कोई सिरप है या कोई आई ड्रॉप है तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। बट एज़ कम्पेयर अगर आप किसी टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लंबे समय तक चल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो लिक्विड की मात्रा है या कह सकते हैं जो पानी की मात्रा है वो कम होगी, और सिरप और ये जो बाकी सारे आई ड्रॉप वगैरह उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और जहाँ पर भी वाटर होता है वहाँ पर फंगल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है।
होता है, और यही कारण है कि ये जो सिरप वगैरह होते हैं इनकी एक्सपायरी डेट जो है वो कम होती है, मतलब कह सकते जल्दी हो जाती है, और जो टैबलेट या जो भी सूखी चीज़ें होती हैं उनकी एक्सपायरी डेट ज़्यादा लंबे समय तक हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही एक्सपायरी डेट इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरीके से स्टोर करते हैं। जैसे जो भी आप सामान लेते हैं उस पर लिखा होता है कि उसको हमें किस तरीके से स्टोर करना चाहिए। आज के टाइम में ट्रेंड चलने लगा है कि लोग दवाइयों को प्रतिदिन के हिसाब से रखने लगे हैं, मतलब उन दवाइयों की पैकेजिंग को खोल के उसको एक अलग पैक बनाते हैं ताकि उनको दवा लेने में आसानी रहे। बट एक्चुअली में होता यह है कि जब हम उन दवा को पैकेजिंग खोल देते हैं तो उसमें भी हवा जाने लगता है, या कह सकते हैं कुछ समय के लिए वायु जाने लगती है, जिसके कारण उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो कम होने लगती है। और यही कारण है कि ऐसी दवाओं का अगर हम इस्तेमाल समय से पहले न करें तो वो जल्दी खराब हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि जिन लोगों ने गलती से एक्सपायर हुए चीज़ों को खा लिया है तो उनको कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने कभी भी गलती से कोई फूड प्रोडक्ट या कोई मेडिसिन ऐसी खा ली है जो एक्सपायर हो चुकी है और काफ़ी लंबे समय उसका एक्सपायर हो चुका है, तो आपको फिर कई सारी शरीर की समस्याओं से परेशान होने पड़ सकता है, जैसे कि सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी होना, दस्त होना, बुखार और लीवर और किडनी जैसी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड हो चुका है एक्सपायर हुए तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर आपको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो भी आपको केयरफुल रहना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से आपको एक्सपायर हुए चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, कुछ जानते हैं कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि लिक्विड और सॉलिड अलग अलग होता है। तो कभी कभी डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको कि जब ये सॉलिड और लिक्विड का पैकिंग आप खोल के उसको मिक्स करिए तो 7 डेज ही इस्तेमाल करिएगा, 7 डेज के बाद जो 8वां दिन होगा आपको उसको फेंक देना होगा। बट हम करते ये हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो 7 दिन में ख़त्म नहीं हो पाता और हम आगे के लिए भी उसको स्टोर कर लेते हैं कि 10वें दिन या 11वें दिन उसको इस्तेमाल करने लगते। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उस पर लिखा है, भले ही अगर उसका एक्सपायरी डेट जो है बात की हो, लेकिन अगर उस पर ये चीज़ डॉक्टर ने बता दिया या फार्मासिस्ट ने बता दिया है कि 7 दिन के बाद आपको 8वें दिन इसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप भले ही उसको यूज़ न किए हो, लेकिन अगर आपने उस बॉक्स को खोल दिया है तो फिर आपको 7 दिन के बाद 8वें दिन उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी मेडिसिन में फंगल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और यही कारण है कि उसकी सॉलिड और लिक्विड की पैकिंग अलग अलग ही होती है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं एक्सपायरी डेट के बारे में कुछ और भी जानकारी। कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिस पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है, तो उन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसे पैकेजिंग आई है जिस पर सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है, एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होगी, तो आपको इस तरीके से निर्धारित करना होगा कि उसको आप किस तरीके से या कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जिस पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, इसका मतलब है कि आप उसको सिर्फ 6 से 12 महीने के पहले, मतलब जो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा उसके 6 महीने तक या मैक्सिमम 12 महीने तक ही उसका इस्तेमाल करिए, उससे ज़्यादा दिन तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा दिन तक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आपके लिए खतरा कर सकता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि पैक नहीं होते, यानी कि खुले होते हैं, तो ऐसे चीज़ों को हम कब इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें और कितने समय तक इस्तेमाल करें, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें अपने हाथों से, अपनी आँखों से करना होगा। जो प्रोडक्ट पैक नहीं होते, मतलब खुले में बिकते हैं, चाहे वो फल हो, सब्जियाँ हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो, तो आप उसको भी एक्सपायरी डेट उसका चेक कर सकते हैं खुद से। करना ही ये होगा कि सबसे पहले आप उस फल को या सब्जी को उठाइए और उसको देखिए कोई उस पर फंगल ग्रोथ नहीं हुआ हो। अगर कोई भी फंगल ग्रोथ नहीं है, इसका मतलब वो ठीक है। इसके साथ ही आप उसको सूंघ के भी चेक कर सकते हैं, अगर उसका कोई बैड स्मेल आ रहा है या फिर जो उसकी ओरिजिनल स्मेल है, अगर वो ओरिजिनल स्मेल उसके अंदर नहीं है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट खराब होने वाली है। इसके साथ ही आप उसका टेस्ट करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि वो कितना एक्सपायर हो चुका है। अगर उसका टेस्ट वही है जो होना चाहिए तो वो प्रोडक्ट अच्छा है, और अगर उसका टेस्ट उससे डिफरेंट है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट खराब होने वाला है या खराब हो चुका है। उम्मीद है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको एक्सपायरी डेट के बारे में समझ आ चुका होगा। तो आप भी एक्सपायर हुई चीज़ों को इस्तेमाल न करें, उसके पहले ही उसका इस्तेमाल करिए और उसका लाभ लीजिए। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को